हाय फ्रेंड्स, आज मेरी मॉर्निंग हुई सुबह 5 बजे और मैंने सबसे पहले पी है कॉफ़ी। मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया क्योंकि हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ पुणे अपने फ्रेंड्स के साथ में और आगे हम लोग कहाँ जाने वाले वो आगे वीडियो में आपको देखने मिलेगा। और एक चीज़ कि मेरी फ्रेंड को ना अपने बालों का कुछ तो करवाना है, पता नहीं, लेकिन जब वो करवा लेगा ना तब मैं आपको बताऊंगी कि उसने क्या करवाया है, तो आगे वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत भूख लग रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने ना एप्पल शाम को ही काट के रखे थे, तो जो मैंने गाड़ी में खा लिए। उसके बाद देखो मुझे ये नज़ारा देखने मिला। फिर हमने डिसाइड किया हम लोग मिसल पाव खाएंगे और मैंने एक वड़ा पाव लिया जो बहुत यम्मी लग रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद है ना बाहर मुझे एक बोर्ड मिला, मतलब बोर्ड लगा हुआ था मटकी भेल, तो मैंने कभी खाया नहीं था पहले, तो मैंने टेस्ट किया लेकिन मुझे ओके लगी, मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगी ये। और फिर हम लोग पुणे सिटी के लिए निकल गए। इसके बाल अब चेंज होने वाले हैं। मुझे लगा कोई शॉप वगैरह होगी, लेकिन ये उनका बिल्डिंग में एक 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे उनका एक सेटअप बना हुआ था पूरा, यहाँ वो लोग वर्क करते थे। और ये है प्रतीक के एक्सटेंशन जो वो लगाने वाला है, उसने पहले ही ऑर्डर दे चुका था, उसे ये इंस्टा पे मिला था पूरा, तो उसने इंस्टा से कांटेक्ट किया था। मैंने लगा के देखे, मेरे पे भी बड़े प्यारे लग रहे थे पर मुझे नहीं लगवाना है। प्रतीक का काम शुरू हो चुका है, उसे लगने वाले 3 या 4 घंटे, तो जब तक हम लोग कहीं बाहर घूम के आएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स बाल कैसे लग रहे इसके। अभी प्रतीक को हमने वहीं छोड़ दिया है, उसको शायद से 2, 3 या 4 घंटे लगने वाले हैं, तो उतनी देर में हम लोग ओकायामा गार्डन है जो यहाँ पे वो घूमने वाले, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी। सो वहाँ जाके मिलते हैं। यहाँ से एंट्रेंस था, यहाँ पे ना बहुत बड़ा जगह है बाहर पार्किंग वगैरह के लिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। और यहाँ पे लाइन है, हमें पर पर्सन 5 रुपीज़ टिकट लेना पड़ेगा और उसके बाद में हमें एंट्री मिलेगी। और ये ब्यूटीफुल सा गार्डन, मैंने ना ये गार्डन यूट्यूब पे देखा था, ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन, बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है, कोई बाहर के आर्किटेक्ट ने ये बनाया है। और मैंने देखा था यहाँ पे ना कलरफुल मछलियाँ भी थी, लेकिन अभी मैंने देखा ना तो कोई मछली मुझे दिखी नहीं, शायद बारिश की वजह से वो लोग ने निकाल दिया हो क्योंकि पानी वानी भर जाता होगा इसीलिए। और यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक की जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप विज़िट कर रहे हो इंस्टा तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। उसके बाद देखिए ये है ना, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर कलरफुल मछलियाँ होती हैं यहाँ पर। और यहाँ पे सब लोग है ना अंदर, मतलब अभी मछलियाँ नहीं थी ना तो सब लोग अंदर बैठ बैठ के फ़ोटोज़ निकाल रहे थे, बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे। और मैंने दूर से देखा यहाँ पे ना ऊपर कुछ बना हुआ था ऐसा ऊंचा पहाड़ जैसा, लेकिन मैं गई ऊपर लेकिन इतना कुछ खास नहीं है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ ऐसा स्टेयर्स बनी हुई है क्योंकि हम पूरे गार्डन का ऐसा व्यू देख सकते हैं ऐसा, तो पूरा गार्डन हमें दिखता है। यहाँ पे ना रेल वगैरह भी थी, मतलब ट्रेन थी छोटी सी, लेकिन वो अभी चालू नहीं थी, तो बहुत कुछ मिस हो गया मुझसे। वैसे मैं ना बारिश के बाद कभी पुणे गई ना तो मैं ज़रूर वापस से ये गार्डन आऊँगी, मुझे ट्रेन में बैठना है ऐसा, अच्छा लगता है पूरा गार्डन घूमने के लिए। वैसे हम लोग यहाँ पे ख़ास प्रतीक के लिए आए थे, तो मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ साथ में और मैं थोड़ा ये गार्डन वगैरह घूम लूँगी। तो फाइनली मैंने ये गार्डन देख लिया और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो थोड़ी देर बाद हम लोग, आधा घंटे के बाद हम लोग निकल गए। और यहाँ पे ना 4 व्हीलर का चार्जेस था, पार्किंग चार्जेस 10 रुपीज़ जो हमें आज आते टाइम देना था, आते टाइम नहीं। हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, तो हम लोग स्ट्रीट शॉपिंग करेंगे। लकीली यहाँ पे ना हमें पार्किंग मिल गई थी जिसकी वजह से हमने सुकून से शॉपिंग किया। यहाँ पे ना इतने अच्छे अच्छे टॉप मिल रहे थे, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 में, इतने प्यारे प्यारे थे ना, लेकिन इतना रश था क्योंकि ढूंढना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं ना शूट नहीं कर पाया। अगर शूट करती तो फ़ोन पकड़ती या मैं अपना मतलब टॉप्स वगैरह सिलेक्ट करती। फिर यहाँ पर ना सनग्लासेस के भी ना इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन थे, मैंने भी दो लिए। और फिर हमने पानी पूरी और सेव पूरी खाया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। उसके बाद हम लोग निकल गए शनिवार वाड़ा के लिए, लेकिन इतना ट्रैफिक था ना कि 1.5 घंटा ट्रैफिक में ही निकल गया, हमें वापस भी जाना था तो मैं क्या ही घूमूँ वहाँ पे। नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी ना तो ज़रूर घूमेंगी, लेकिन इस बार मैं घूम नहीं पाई, तो नेक्स्ट टाइम पक्का देखेंगे। अभी जा रहे हैं प्रतीक को पिकअप करने के लिए, तो मैं आपको आगे उसका लुक कैसा हुआ है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए और आपको भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे इतना प्यारा व्यू मिला ना मुझे, अगर मुझे लेट नहीं हो रहा रहता ना मैं ज़रूर फोटोज़ वगैरह निकालती। OMG बता यार इधर, ओ बाबा। यहाँ पे प्रतीक अपने फोटोज़ दिखा रहा था हेयर के, बड़े अच्छे लग रहे थे, उस पर सूट कर रहे थे, मुझे तो अच्छे लगे। और ये है ना ज़्यादातर आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना वो लोग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पहले पता नहीं था इसे क्या कहते हैं, लेकिन अभी पता चला इसे जटायू कहते हैं, पर अच्छे लगते हैं। वैसे प्रतीक भी एक हेयर आर्टिस्ट है तो उसके प्रोफेशन के लिए अच्छा है। बता मेरे बाल, मेरे बाल ऐसा निकालेंगे, फोटो नहीं वीडियो बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है पूना में, अभी हम लोग रिटर्न मुंबई वापस जा रहे हैं। और ये व्यू आपको ऐसे नहीं लग रहा, थोड़ा सा गोवा जैसा, नारियल की झाड़, ग्रीनरी और पानी वगैरह भी है बाजू में। और थोड़ी देर चले ना हम लोग तो यहाँ पे ना मुझे मंचूरियन ग्रेवी दिखी और मैं यहाँ पे रुक गई, क्योंकि मुझे मंचूरियन ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, मैंने सोचा चलो खा लेती हूँ। और प्रतीक भाई सेव पूरी खाना था तो उसने वो खाया। उसके बाद बताना ये चश्मा कैसा लग रहा है मेरे पे, अच्छा लग रहा है या नहीं। और ये व्यू देखो यहाँ, मतलब ये व्यू लेकर हम लोग गाड़ी रोक लिए, उसकी वीडियो बनाने लगे, कितना प्यारा फ्लैग लग रहा है हमारा। उसके बाद है ना हम लोग निकल गए और बीच में मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, सुबह 5 बजे की उठी थी मैं। और है ना फिर ये बीच में ना इन लोग चाय वाय पीने के लिए रुक गए थे, मैं तो बाहर नहीं निकली क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैं तो गाड़ी में ही वापस सो गई। सो फ्रेंड्स मैं बहुत थक गई हूँ, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।